इधर रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तरफ जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम सैनी पर निशाना साधते नजर आए, वहीं हुड्डा इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी करते नजर आए। हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। कोई भी हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो कोई भी सरकार या ना सरकार आत्मत में है, इसका कोई नैतिकता के आधार पर कोई सरकार में रहने का कोई नहीं आधार है। मॉरल ग्राउंड पे इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या गवर्नर साहब को डिसॉल्व करके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। आप मानते हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के? कराने चाहिए जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है, तो हमने तो मांग की है चुनाव कराओ। आप तैयार? कांग्रेस तैयार? हम तैयार हैं। देखिए, मैं तकरीबन पूरे हरियाणा में मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उसके हिसाब से साफ नज़र आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है।